साहब मौजूद हैं, बड़ी जिम्मेदारी फिर मिली है, कैबिनेट में शामिल हुए हैं, किस प्रकार से देखते हैं पूरे इसको, सरकार की जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ ली और आपने जिस प्रकार से पूरी कैबिनेट ने शपथ ली, कैसे देखते हैं सर? देखना क्या था, नई जिम्मेवारी के साथ काम करने का मौका मिला है, प्रदेश की जनता की सेवा करना ही हमारा हाल है। फिर बात करेंगे, महिपाल ढांडा साहब हैं, बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली है और जो भी जिम्मेदारी मिली है उसी हिसाब से काम करते हुए नजर आएंगे। पोर्टफोलियो की अगर बात की जाए तो जो भी पोर्टफोलियो इनके संग, सर किस प्रकार से ये जिम्मेदारी देखते हैं सर? देखिए जो भी जिम्मेदारी हम लोगों को तो बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं, नायब सरकार पांच वन में राज्य मंत्री रहे हैं और अब एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है। बड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा जाट चेहरा उभर करके सामने आए हैं महिपाल ढांडा, पानीपत ग्रामीण सीट से लगातार जीते आ रहे हैं, लगातार तीसरी बार विधायक पानीपत ग्रामीण सीट से चुने गए हैं महिपाल ढांडा। और जिस तरह से विधानसभा में बोलते हैं वो अंदाज इनका इन्हें अलग बनाता है। साल 1980 में आरएसएस से जुड़े और उसके बाद से अब की अगर बात करें तो बीजेपी के जाने माने जाट नेताओं में इनका नाम शुमार हो चुका है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी इन्होंने संभाली है महिपाल ढांडा। अब नायब सरकार पार्ट टू में भी मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, पहले भी राज्य मंत्री रहे हैं नायब सरकार पांचवन में और पानीपत ग्रामीण सीट से विधानसभा पहुंचे हैं लगातार तीसरी बार, तो एक इतिहास रचा गया है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है, नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री पद की और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं नायब सिंह सैनी और तमाम जो मंत्री मैक्सिमम बनाए जा सकते थे बनाए जा चुके हैं। मंत्री पद की शपथ सभी नेताओं ने ली, जिनमें से दो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं और बाकी तमाम जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं 11 मंत्री और दो राज्य मंत्री बनाए गए हैं स्वतंत्र प्रभार उनको भी दिया गया है। तो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ और मंत्री बनाए गए हैं फरीदाबाद से विधायक विपुल गोयल, उनके समर्थकों में भी खासा उत्साह जो है वहां पर रहा।